साथ लेंगे 10 साल तक। अरे मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, ये बिके हुए हैं सब, ये नहीं दिखाएंगे, ये बिके हुए हैं। 10 साल बस चल रहा है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ड्राइवर आक्रोश में, कितना गुस्सा में है। आखिर इस गुस्सा का वजह क्या है, मैं थोड़ा बात करने का प्रयास करता हूं। तो नमस्कार, यहां का क्या नाम हुआ? ये जगह का नाम है सोमिल, सोमिल वेद व्यास, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा। नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर स्ट्राइक करके खड़े हैं, आज 4-5 दिन से स्ट्राइक करके खड़े हैं। मैं कुछ बात करूंगा ड्राइवर लोग से, आखिर क्यों इतना ड्राइवर लोग गुस्सा में है और सब गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, कोई गाड़ी नहीं चला रहा है। बहुत सारे ड्राइवर घर चले गए और बहुत सारे ड्राइवर घर जा रहे हैं। तो सारे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत हमारे बुजुर्ग ड्राइवर भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। तो मैं सबसे बात करना चाहूँगा और बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्या चाहते हैं और क्यों ये स्ट्राइक लगा हुआ है और क्यों सब लोग गाड़ी छोड़ के घर जा रहे हैं और अपना अपना लाइसेंस तोड़ रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है, मैं सब बात करूंगा पूरा। मैं कुछ बात करूंगा ड्राइवर साहब से। तो क्यों आप लोग स्ट्राइक लगाए हुए हैं? ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो क्या, क्यों आप लोग खड़ा किए हैं? अमित शाह जी जो कानून लगाए हैं, हाँ, हमारे ड्राइवर के ऊपर में, ये बहुत तकलीफ हम लोग को है। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि हर ड्राइवर परेशान है। तो आज ड्राइवर को मान लीजिए कि एक ड्राइवर किसी को मारता है, किसी चोट लग जाता है, ड्राइवर चाहता नहीं कि मेरे सांप को बचा देता है, चूटी को बताता है, कुत्ता बचा देता है, कोई ड्राइवर जानबूझ के नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिए खाए कभी घुस जाते, गलती से लग जाता है। उसको अगर बचाने की कोशिश भी करता है ड्राइवर, उसको सबसे पहले पब्लिक मार देता है। तो देख सकते हैं हमारे बोल रहे हैं कि अगर इसमें टोटल ड्राइवर की गलती नहीं, अगर कोई पी खा के बाइक वाला, कार वाला, ऑटोमेटिक आके बड़ी गाड़ियां के ठोक देता है, आखिर गलती सब जनता मानती है ड्राइवर का ही। तो अब क्या आप लोग का फैसला है? हम लोग का फैसला ये है, जब अपना कानून जो बनाए हैं, अपना जो कानून बनाया है, हमारे लिए क्या कानून, हमारे लिए क्या कानून है भाई? हमारे लिए कोई कानून मिलना चाहिए क्या? एक तरफा फैसला होता है क्या? कोई नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं फैसला होता है। एक तरफ क्या ड्राइवर की जिंदगी नहीं है? एक ड्राइवर कहाँ से जो है तो 10-10 लाख रुपए, 5-10-20 हजार का माने वाला, 5 लाख-7 लाख कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से रखेगा? 10 साल उसके परिवार को कौन पालेगा? इसका भी कानून बनना चाहिए। सरकार से क्या मांगना, इसका भी कानून बनना चाहिए। हमारा कानून ये कहना है कि जैसे रोड में 10 लाख मैंने 10 साल का सजा है, 5 लाख रुपए फाइन है, तो एक ड्राइवर 5 हजार कमाने वाला, 15 हजार कमाने वाला कहाँ से 10 लाख पांच कहाँ से पूरा करेगा? और 10 लाख परिवार का 10 साल जेल में रहता कैसे चलाएगा? उसका परिवार को कमाने वाला एक खाने वाले दस, उनका परिवार को कौन पूछेगा? 10 साल जेल में रहेंगे, 10 लाख रुपया देंगे हम लोग को महीना का तनखा 10 हजार रुपया, महीना का रुपया 10 हजार तनखा, तो हम लोग 10 लाख कहाँ से देंगे? कोई हम लोग गाड़ी तो जानबूझ के नहीं चढ़ा रहे हैं, एक यहाँ पर एक जो भी पड़ेगा हम लोग जानबूझ के नहीं चढ़ा रहे हैं। कोई आगे आएगा जबरदस्ती दारू पी के वो घुस जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ब्रेक मारेंगे कि जो भी हो हमारा हमारा हिसाब से हम गाड़ी चलाएंगे, वो जानबूझ के घुस जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ये भाई कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग क्या, 1 लाख रुपया जो 10 साल जेल, हमारा परिवार को कौन पोसेगा? कौन पोसेगा? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। 10 लाख हम 10 हजार रुपया महीना में कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया कौन देगा? नौकरी नहीं कर सकते, 10 लाख रुपए 10 हजार रुपए मगर सैलरी कितनी है इसके पीछे, ये भी तो बताए कोई। 10 हजार रुपए 15 हजार
नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।